कहती है, तुम उस औरत के गर्भ से ही जन्मे हो जिसके साथ चलने में तुम्हें शर्म आती है, जिसके साथ चलने में तुम्हें शर्म आती है। आप लोग देख रहे हो आजकल कितना ज्यादा गर्ल्स के साथ गलत हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं? अपने आसपास भी देखते हो ना सारे, कोई आवाज उठाते हैं इस चीज के लिए? गलत कैसे भी हो रहा है। अगर दो भाई बहन है, मम्मी बोलती है लड़की घर पे काम करेगी और लड़का जॉब करेगा, ऐसा क्यों? हमारी समाज की सोच ऐसी क्यों है? या हम लोग पढ़े लिखे नहीं है इस वजह से हमारी सोच ऐसी है? लड़का देर रात तक बाहर घूम सकता है पर लड़की घर के अंदर रहेगी क्योंकि वो एक लड़की है। हम जब छोटे होते हैं हमें तभी से बात समझाई जाती है तुम्हें अपने घर के अंदर ही रहना है, और शादी कर देते हैं 15-16 साल में और चले जाओ दूसरे घर। वहां पे क्या होता है, या हस्बैंड ड्रिंक करेगा, मारेगा, पीटेगा, बट लड़की अहम डर जाती है और अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाती कि मैं इतना दुखी हूँ। क्यों नहीं बता पाती आखिर? क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन भी काम आती है, कहीं ना कहीं एजुकेशन भी काम आती है। कौन कौन मानता है एजुकेशन काम आती है? तो इसके लिए हमें, मैं तो बोलती हूँ लड़कों से ज्यादा भी लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। किस लिए? ताकि लड़कियां अपने पैरों पे स्टैंड होके, और जरूरी नहीं है कि घर लड़का ही चला सकता है, एक लड़की भी घर चला सकती है मेरे हिसाब से, है ना? चला कौन कौन मानते हैं, यस और नो? तो कौन कौन अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहेगा और कौन कौन ये बोलेगा कि घर पे बैठ जाओ? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हमें अपनी सोच को डेवलप करना होगा। अगर हम लोग डेवलप नहीं होंगे तो हमारे आने वाला फ्यूचर भी डेवलप नहीं होगा। तो जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है या हम आसपास देख रहे हैं उसके लिए हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, कभी तो ये चीज बंद होगी। तो इसी के साथ हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा एक्ट तैयार किया है, तो जोरदार ताली हमारे स्टूडेंट्स के लिए। देख रहा था।
ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। थैंक यू।